विश्व आदिवासी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। मंचासीन माननीय डॉक्टर किरणलाल जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ जी, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी जी और गोलमा देवी जी, आप सबको मेरा नमस्कार और आपको भी नमस्कार। राम राम और जय जवाहर। साथियों, सबसे बड़ी समस्या जो पानी के साथ साथ समस्या है युवा बेरोजगारों की, रोजगार की। अरे युवाओं से पूछना चाहता हूं, पानी के साथ साथ रोजगार की समस्या है कि नहीं है? है ना? और इसमें बड़ी भूमिका हमेशा छात्रों के साथ अन्याय होता है तो डॉक्टर किरणलाल जी मैदान में सड़कों पे हमारे साथ नजर आते हैं कि नहीं आते हैं, बताइए। ऐसे विकास पुरुष को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपके लिए, ईआरसीपी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ये आपको ये सोच लेना चाहिए, आज इन्होंने जीत की नींव रख दी है। जो ईआरसीपी जो पानी का मामला है वो राजनीति से हटकर 13 जिलों के भविष्य के लिए है। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि आपको पता है एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि पानी की समस्या और साथ साथ बेरोजगारी की समस्या। और जो वर्तमान में जो हालात राजस्थान में बने हैं, युवा साथियों, कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और साथ में 4 घंटे की बंधुआ मजदूरी शुरू करवाती, क्या बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है क्या? अरे युवा साथियों बताओ, हाथ खड़ा करके, मिल रहा है क्या बेरोजगारी भत्ता? और जो राजस्थान में जो भर्तियां निकाली जाती है उसमें बाहरी राज्य के लोग आ जाते हैं और राजस्थान वालों को नौकरियां नहीं मिली, क्या राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अरे जोर से जोश होना चाहिए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पेपर लीक हो जाते हैं और खुद रक्षक ही बक्षक बन जाते हैं, ये रक्षक ही बक्षक बन जाते हैं। हाल ही में एक स्कूल का मामला हमने उठाया, जागृति स्कूल का, वो वरिष्ठ कांग्रेस नेता की स्कूल है, उसकी मान्यता रद्द नहीं की गई। एक नहीं, कांस्टेबल सीएचओ दो पेपर लीक का आरोप है और मुकदमा दर्ज है। इसलिए रक्षक बक्षक नहीं बने, क्योंकि 2023 दूर नहीं है, युवा कमजोर नहीं है। इस बार जीत की चाबी युवाओं के साथ रहेगी, किसके पास रहेगी बताओ? अरे किसके पास रहेगी? और रोजगार की एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। साथियों, बजट में जो घोषणाएं की गई थी, ये तिरंगा वाले जो हैं, प्लीज इसको आगे दे दें, भैया समेट के रख दो प्लीज, निवेदन है कि अव्यवस्था ना फैलाएं, प्लीज इसको रख दो, कंटिन्यू। माता बहने शांति बनाए रखें। एक बार युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा, अभी हाल ही में पूरे प्रदेश में लंपी जैसा वायरस फैल रहा है, पशुओं का गोवंश किया मौतें हो रही है, उसके जिम्मेदार वर्तमान सरकार है, क्योंकि 2019 में 900 पदों पर पशु चिकित्सक भर्ती निकाली गई थी। यदि वो पशु चिकित्सक भर्ती समय पे होती तो गोवंश और पशुओं की मौत नहीं होती, या इनकी लापरवाही ने ले डूबी है। आज उनकी मौत के जिम्मेदार वर्तमान सिस्टम और सरकार है। और रही बात रोजगार को लेकर, कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ? दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन का, दिसंबर 2020 में जयन का, फिर रीड का, फिर कांस्टेबल का, ये कौन सी पड़ता राजस्थान में चला दी? इसलिए युवा साथियों, इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना होगा। मैं जानता हूं ईआरसीपी का पानी का मुद्दा बड़ा है, लेकिन साथ साथ में हमारा रोजगार का मुद्दा बड़ा है, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू है, पानी भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए आप? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? राहुल गांधी जी ने कहा था कि अब होगा न्याय। अरे अब युवा पूछ रहा है कब होगा न्याय? जब हमने आवाज उठाई तो एक नहीं, 4 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। और जो इनके पीसीसी चीफ कोरोना पॉजिटिव है और जनता में जाकर भाषण दे रहे हैं, क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जब हम युवाओं से मिलते हैं तो कोरोना काल ने इनके उल्लंघन का मुकदमा युवा बेरोजगारों पर दर्ज कर दिए जाते हैं। युवा साथियों, अरे आप देख लीजिए, डॉक्टर किरणलाल जी की उम्र देखिए, आप युवाओं के लिए जब चाहे सड़कों पे आते हैं, और अपन तो युवा है, और युवा जब युवा का उल्टा वायु होती है, जो वायु चलती है, तो आप सोच लीजिए क्या हालात बनते हैं। आंधी और तूफान आते तो क्या हालात बनते हैं। तो इसलिए युवा साथियों, आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे पानी के साथ साथ रोजगार का मुद्दा भी महम होना चाहिए, प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अरे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए बताओ आप? अरे बाबा जी का भंडारा है क्या? यूपी बिहार बाहर से आ जाएंगे, जब हमें 122 राज्यों में हमें नहीं लेते तो हम कैसे लेने देंगे? प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
और पेपर लीक मुक्त राजस्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और जो स्कूल पकड़ी जा रही उनकी मान्यता रद्द होकर नहीं होनी चाहिए, अरे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, जेल के अंदर होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और जो बजट में घोषणा की पंचायती राज मंत्री ने कहा कि 2100 पदों पर पंचायत राज चयन भर्ती निकालेंगे, लेकिन वो भर्ती का पता ही नहीं है, 2,19,00,000 रुपए युवा बेरोजगारों से ले लिए, उन पैसों से एसीओ को गाड़ियों में घूम रहे हैं, अरे 2,19,00,000 रुपए भी ले लिए और भर्ती भी नहीं निकाली। आपने कहा टेक्निकल हेल्पर 6500 पदों पर निकालेंगे, वो भी नहीं निकाली। आपने निकाला ना निकाला लेकिन पेपर लीक करने में महारती और हासिल कर ली। इसलिए साथियों बेरोजगारी भत्ता आज जो यहां सब बैठे हैं ना उनके बच्चों को बड़ा लाभ मिल रहा था उसको भी बंद कर दिया गया और 4 घंटे की इंटर्नशिप लागू कर दी गई। तो राजस्थान में जो हालात बने हैं हम सबको मिलकर लड़ना होगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को कि आप जो यार्चिप का जो मुद्दा उठा रहे हैं प्रदेश का युवा बेरोजगार, हम सब कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, क्योंकि यह जनता का मुद्दा है, यह राजनीति मुद्दा नहीं है, यह 13 जिलों के जनता का मुद्दा है और जनता के मुद्दे पर हम सबको मिलकर लड़ना होगा। मैं एक छोटा सा एक व्यक्ति हूं और मुझे यहां बुलाया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाया और हर लड़ाई में आपके साथ है। जय हिंद, जय जवाहर। बहुत बहुत